प्यार, प्यार सच्चा हो या झूठा, प्यार अच्छा हो या बुरा, प्यार बेहतर हो या खराब, प्यार की किसी भी सिचुएशन में तुम उसे पाना चाहते हो तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा कुछ नहीं, खड़ी धनिया के कुछ दाने चाहिए इसके लिए मात्र। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है, रिश्तों को मजबूत करने का, संबंधों का को मधुर बनाने का। वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या प्रेम लाइफ हो, उसको रिपेयर करना, सुव्यवस्थित करना, कस्टमाइजली आपके हिसाब से बनाकर देना, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। इसे पूरी की पूरी व्यवस्था और पूरे पूरे संसाधनों के साथ बहुत तल्लीनता के साथ बनाया जाता है और किया जाता है। ये सब कुछ करने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों का सार निकालकर आपके सामने रखा जाता है। इस रिसर्च में अभी तक यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये निरंतर जारी रखा गया है। ये सारा का सारा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा उद्गार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। हमारे जैसे तो न जाने कितने ही लोग काम करते होंगे, उनमें हमें सिर्फ एक फर्क है। उनमें हमें फर्क सबसे बड़ा एक ये कि हमारे और आपके बीच का जब संवाद और प्रेम जो है शायद उधर नहीं है इतना, पहला बड़ा फर्क। दूसरा एक फर्क ये कि यहाँ पर कोई कपोल कल्पित बनाया हुआ या कुछ भी करके उपाय नहीं बताया जाता। हर उपाय के पीछे एक रिसर्च है, हर उपाय के पीछे एक सूत्र है और हर उपाय के पीछे कोई एक स्रोत है। बिना स्रोत का कोई उपाय नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आज धनिया के कुछ दाने। सबसे पहले तो तुम ये जानो प्यार तुम्हारा सच्चा है या झूठा। अगर तुम जानते भी हो तो भी और नहीं जानते तो भी धनिया के कुछ दाने आज उसे खींच कर तुलाएंगे। प्यार झूठा था उसकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से, ये बहुत डिफरेंट वर्क है। तुम्हारी तरफ से अगर सच्चा है तो तुम उसे 100% पाना चाहते हो, वो चाहे कितना भी बुरा हो, वो चाहे कितना भी खराब हो, वो चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, धन का अभाव हो, बल का अभाव हो, रूप रंग स्वरूप का अभाव हो, व्यक्तित्व का अभाव हो, पारिवारिक स्टेटस का अभाव हो, संप्रदाय का अभाव हो, किसी भी अभाव में प्यार का अगर प्रभाव ज्यादा है तो सारे के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं उसके आगे। चूंकि भाग्य कहे भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे ते गिरी सब गुमान जात है, वा के कहे वास होत विष्णु दाशन मा, और ताके कहे से तन तरुण दिखात है। यह है प्रेम ग्रंथ। आप हमेशा युवान रहें, हमेशा बेहतर रहें, अच्छे विचारधारा के साथ रहें, चिंतन बहुत स्ट्रांग हो, प्रस्फुटन हो भाई। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे माइंड की जो मांसपेशियां हैं, तुम्हारे माइंड के जो टिश्यूज हैं, तुम्हारे माइंड की सोचने की जो क्षमता है, उसके साथ तुम एक्सरसाइज ही कहां करते हो। तुम तो बस शांति से जीवन ढनग रहा है, तुम्हारा चल नहीं रहा। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा जीवन चला देते हैं, ये खासियत है, इसलिए यहां 95% सक्सेस रेट है। चलो मुझे तो भाई तुम मौका दो, अब चुप नहीं होता। ये बड़ी खास बुरी आदत है। जो लोग नए जुड़े उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा, पुरानों को तो आदत पड़ चुकी है मेरी लंतलानियां सुनने की। तो खैर कोई बात नहीं, ईश्वर तुम सबको और बेहतर करे, तुम्हारे अंदर थोड़े ज्ञान की बातें भर जाएं ताकि तुम श्रेष्ठतम तत्वों से ओतप्रोत हो जाओ। जानकारी हमेशा इंसान को श्रेष्ठ बनाती है, जानकारी हमेशा हर चीज के प्रति तुम्हें जागरूक और बेहतर बनाती है। जानकारी नहीं होगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जानकारी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले
आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हे गुरुदेव, मैं आपको कितना थैंक यू बोलूं, आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम हो गया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सफलता ही पा रही हूँ, मैं हर संकट से भी बच रही हूँ, आपकी वजह से कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। मेरा डर इतना बड़ा था गुरुदेव कि मैं किसी से बता नहीं सकती रही, मैं अंदर अंदर इतना रोती रही, किसी से बात भी नहीं करती रही, ना घर में बोल पा रही थी ना किसी और से बोल पा रही थी, लेकिन आपकी वजह से गुरुदेव मेरा काम हो गया। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 3 महीने पहले क्या थी और क्या हो गई हूँ, लेकिन आज आपके यहाँ मैंने पूजा करवाई और मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन है। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बहुत बेहतर बनाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कर दे। वैसे तुम्हें खैर क्या बताऊं, सब तुम अपनी श्रद्धा विश्वास से पा रहे हो, भगवान शिव देने वाला है, तुम लेने वाले हो, मैं तो बीच में कुछ भी नहीं, बस तुम इतना मान सम्मान देते हो उसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। उपाय में आज मैं कह रहा हूँ, धनिए के कुछ दाने आपको यहाँ रखने हैं, जिससे आपका अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत श्रेष्ठतम हो जाएगा। आपका सच्चा और झूठा दोनों प्यार आपको मिल जाएंगे। आपको करना बहुत छोटा सा काम है, अपने मोबाइल के बैक साइड में कोई भी एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बांध दीजिए इस तरीके से, चाहे तो एक दिन के लिए पूरी तरह से भी बांध सकते हो, तुम्हारे फ़ोन ओन जब ना आने हो रात इत्यादि में, उसमें 27 धनिए के साबुत दाने थोड़ा सी हल्की सी हल्दी में रंग करके उसे पीछे रख दीजिए। हर दाने को कोशिश करिएगा एक एक करके रखें और हर दाने में ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोलिएगा। ओम नक्षत्रेभ्यो नमः, नक्षत्र 27 होते हैं, ग्रह नक्षत्र ही तो दुनिया देते हैं तुम्हें, तो ग्रह नक्षत्र ही तो सब कुछ देते हैं। नक्षत्रिका के नाम पर सारी व्यवस्थाएं मैं आज तल्लीन करा रहा हूँ। तुम्हारे 27 के 27 नक्षत्र ठीक हो गए तो समझो नौ ग्रह ठीक हो गए, दोबारा राशियाँ ठीक हो गई और ये सब ठीक हो गया तो तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ सब ठीक हो गया। तो बस 27 के 27 दाने ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोल करके रखिएगा, कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से बांध दीजिएगा, रात्रि भर उसको मोबाइल के बैक साइड में रखा रहने दीजिएगा, सुबह उठ करके उस कपड़े को किसी मिट्टी के बर्तन में या जमीन में रख करके उसके ऊपर ये दाने और कपूर रख करके स्वाहा कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है, इसको बहुत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है, इसे किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन में किसी भी आगाज पर किया जा सकता है। आवश्यकता होगी श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता होगी कनेक्शन की, आवश्यकता होगी गुरु आदेश की, आवश्यकता होगी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास पर्याप्त मात्रा में रखने की। कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए इस मामले में, अगर वो सब ठीक होता तो तुम 95 में हो, नहीं होता तो तुम साहब 5% के हो। डिसीजन तुम्हारे पर है कि तुम किधर रहना चाहते हो। एक अच्छा गुरु के साथ एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए, अच्छे शिष्यों के साथ गुरु भी अच्छा होना चाहिए, शिष्य अच्छे हो गुरु थोड़ा कम भी अच्छा होगा तो चल जाता है, लेकिन शिष्य कम अच्छे हो गुरु थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा हो तो कम चलता है। मैं अपने आप में कम जानकार रहूँ, तुम जानकार ज़्यादा हो, तुम श्रेष्ठ हो, हमेशा श्रोता बहुत स्पेशल होना चाहिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, रोना बिलखना परेशान होना उल्टा सीधा सोचना प्लीज मत करना, क्योंकि तुम करोगे तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम करोगे तुम्हारी चीज़ें खराब होंगी, तुम करोगे तुम्हारे ही उपाय और सॉल्यूशंस गड़बड़ होंगे, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं, किसी और का कुछ नहीं जाता, सब तुम्हारा जाता है। बात मानो, अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय।